हेलो एंड वेलकम दोस्तों, खान सिस्टर ब्यूटी ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाइट टोन पाउडर के बारे में सब कुछ बताऊंगी और इसके साथ ही इसका रिव्यू भी करूंगी। वाइट टोन ब्यूटी पाउडर, जैसा कि आज इसका नाम है वाइट टोन, ये आपके फेस को गोरा बनाता है, गोरा बनाने में सहायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके यूजेज हम बताएंगे और साथ ही इससे होने वाले नुकसान हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे किस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों ये पाउडर 30 ग्राम की है और ये 55 रुपीज़ की है, आपको किसी भी स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसके इंग्रीडियंट्स हैं दोस्तों टॉक, एलुमिनियम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, स्टैग, ऑटो बैलेंसिंग कार्बोनेट। इसी तरह की इसकी इंग्रेडिएंट से मिलकर ये बना है जो आपकी स्किन को मिनटों में गोरा बना देता है, तुरंत ही आपकी स्किन को गोरा बनाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये स्किन को गोरा बना देता है। और ये दोस्तों, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे, आप हमारी वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। दोस्तों इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, ये पिंक कलर की खूबसूरत सी पैकेजिंग में अवेलेबल है। इसका बड़ा पैक भी मिलता है, मेरी एडवाइस से आप पहले छोटा पैक लीजिए जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो। यदि आपकी स्किन कोई सूट ना करे तो आप आपके पैसे भी इसमें वेस्ट ना हो, और जब ये आपको सूट करे तभी आप इसका बड़ा पैक लीजिए। इसकी स्मेल दोस्तों काफ़ी लाइट और काफ़ी हल्की और काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। ये पाउडर काफ़ी जो वेलवेट, आप इसको लोगे जब अपने हाथ पे तो काफ़ी वेलवेट और स्मूथ सा आपको नज़र आएगा। इसको डेली इस्तेमाल करने से आपको हो सकते हैं स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप इसको लगाते हैं डेली तो आपको स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरी एडवाइस से ये है कि आप इसको डेली इस्तेमाल ना कीजिए, कि आप इसको डेली ना यूज़ करके आप इसको ओकेजनली यूज़ कीजिए। और यदि आप इसको डेली यूज़ करना भी चाहते हैं तो इसे लगाने का तरीका ये है कि आप पहले अपने फेस को साफ़ कीजिए, फेस को वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद आप कोई भी सीसी क्रीम या फेयर एंड लवली वगैरह आप अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, देन आप इस पाउडर को चेहरे पे लगाइए। जैसे चिपचिपा बना देता है, कभी हमारे फेस चिपचिपा होता है तो ये पाउडर से चिपचिपा नहीं लगेगा और वाइट भी लगेगा। तो दोस्तों आप, मेरा ये एडवाइस है कि आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे ना लगाएं, पहले आप क्रीम अप्लाई करें उसके बाद ही ये पाउडर आप अपने फेस पे लगाएं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं रहेगा और ये पाउडर आपका अच्छा काम करेगा। ये पाउडर जो है पसीने को सोखता है, और समर में मेकअप जब बहने लगता है तो आप खासतौर से जो ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो ये पाउडर उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हमने बताया है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यूँ ही बने रहिए हमारे